हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा, मेरा नाम विजय पाल यादव है। मैं यूट्यूब चैनल के लिए काम करता हूं और मैं आज अपने घर के पास में ही थोड़ा एक ये तालाब है, लेक है, इसके पास में बहुत अच्छा कुछ बना था। तो 4-5 साल पहले ये बना था, तो मैं सोचा कि मैं घूमने जाता हूँ। ऐसे एक दो बार आया था तो मैं सामने से आके चला गया, लेकिन मैं आज आया तो मैं बोला कि पूरा राउंड मारता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या है। तो मैं जब इधर आया घूमते घूमते तो मुझे कुछ दिखा, तो मैं बोला ये कैसा क्या है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पत्थर लगे थे बैठने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि रात को पत्थर ही उड़ा ले गए हैं, जबकि कितना अच्छा बनाया था और लोग जो है यहाँ पे आके बैठते थे और सारी चीज़ें जो भी कुछ है। तो वो लोग क्या किए, इसको गिरा के पत्थर ही बैठने के लिए और निकाल के लेके चले गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने ट्राई किया है और वो पत्थर जो है टूटा पड़ा हुआ है और निकालने की कोशिश कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, शायद इसमें काफ़ी अच्छा पैसा खर्चा किया होगा, लेकिन लोग हैं वो अपना काम करते हैं। और आप इधर देख सकते हैं, ये लाइन से पूरा मतलब पूरा अच्छा है, बैठने के लिए बनाया गया है और लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं फैमिली के साथ, खुले में अच्छा हवा ले सकते हैं। और ये कितना अच्छा है, कितना मतलब पहले ये तालाब था लेकिन बहुत गंदा था, सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा इसको बना दिया है गवर्नमेंट ने, काफ़ी पैसा खर्चा किया होगा। और यहाँ पे बाथरूम है और भी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के झूलने के लिए उधर झूले हैं। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये तो ये मेरे घर से शायद तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर की कम दूरी पे है। तो जब भी कभी आना होता है तो मैं उधर आके बैठता हूँ, थोड़ा हवा लेता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छा है। जब मैं पहली बार आया था 2008 में, बटुआ में आया था, तो मैं दूसरी बार 2009 में आया था, उससे मैं कंटिन्यू यहाँ पे हूँ। जब मैं यहाँ पे 2009 में आया था पहली बार, तो मैं जानता था मतलब यहाँ पे इतनी काफ़ी गर्मी होता है, ठीक ठाक गर्मी होता है, तो मुझे कहीं बैठने के लिए ऐसी कुछ जगह नहीं थी और बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो मैं सोचता था कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम बैठ सकें और आराम कर सकें या किसी का इंतज़ार कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा काम किया, डेवलप किया और काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे। जो बटुआ में लोग हैं, एक न्यू बटुआ है, एक ओल्ड है, तो उसके आसपास में लोग बैठने के लिए ये बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भाई, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं कह सकता हूँ। और इसके जस्ट बगल में एक हॉस्पिटल बनाया है, और जो लोग मॉरिशस में हैं या रहे हैं उनको पता होगा, जैसे कि डिस्पेंसरी टाइप का, उसमें फ्री में इलाज, दवा पानी जो भी है सारा कुछ फ्री में होता है। शायद 1-2 रुपये का वो चौपड़ी बोलते हैं यहाँ पे, बुक बोल तो जो गुजराती में चौपड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में वो एक बुक होती है, नोटबुक टाइप का, जिसमें अपना रिपोर्ट लिखते हैं वो होता है, तो इतना चार्ज करते हैं, बाकी इसमें फ्री में करते हैं। और काफ़ी अच्छा है, शायद फ्री में भी होता है यहाँ पे, और चौपड़ी का भी पैसा भी नहीं लेते, काफ़ी अच्छा है। पीछे देख सकते हैं कितने सारे बच्चे, पब्लिक वो सब आए हुए, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे और एक छोटा सा वीडियो शूट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या किया है गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी एरिया इतना था, तालाब था, गंदा वो सब रहता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें जो है पंपिंग सेट बैठा दिया है। जब पानी गर्मी में कम हो जाता है, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, तो जब पानी कम हो जाता है तो अपना जो है वो वाटर पंप जो भी होता है उससे जो है इसको भर देते हैं, तो जो है ऐसे ही बना रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे दिखाते हैं आप लोगों को।
हूँ।